देश में बदल रहा मौसम का मिजाज, कहीं बारिश तो कहीं हो रही बर्फबारी, जाने आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम। देश में मौसम का रुख इन दिनों लगातार बदलता जा रहा है, कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी। तो कई राज्य ऐसे भी हैं जहां सुबह शाम ठिठुरन वाली ठंड हो रही है तो वहीं दिन में गर्मी महसूस होती है। लेकिन हवाएं देश में इन दिनों उत्तर पश्चिमी चल रही है, जिससे मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जहां बारिश हो रही है तो वहीं उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान लुढ़कता जा रहा है। एक और पश्चिमी विभोक्ष यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय हो रहा है, जो एक दो दिन में उत्तर भारत के मौसम पर सीधा असर डालने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 16 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है। इसका देश के कई राज्यों में सीधा असर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर मौसम में सीधे सीधे परिवर्तन हो जाएगा। बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है। हवा का रुख उत्तर पश्चिमी होने के चलते ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरने से ठंड काफी बढ़ गई है। हालांकि वहां इस वक्त पहुंचे हुए तीर्थयात्रियों के लिए ये एक अच्छा मौका भी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्हें कड़ाके वाली ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है। इससे बिहार और यूपी में भी ठंड लगातार बढ़ रही है, सुबह शाम ठिठुरन होने लगी है। सोमवार को उत्तराखंड में मौसम बिगड़ा और चारों धाम यानी बद्री, केदार और गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने से ठंड पड़ गई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। केदारनाथ में जहां दिन भर रुक रुक कर बर्फबारी हुई, वहीं बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों ने बर्फबारी के बीच ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। केदारनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर भैरवनाथ मंदिर क्षेत्र में भी आधा फिट बर्फ जमी हुई है। धाम में तीर्थयात्रियों ने बर्फबारी के बीच दर्शन किए। अधिकांश तीर्थयात्रियों ने पहली बार इतनी नजदीक से बर्फबारी होते हुए देखा। जोशीमठ, गोपेश्वर, पोखरी, नंदानगर, पीपलकोटी, नंदप्रयाग आदि क्षेत्र में दोपहर में बूंदाबांदी होने से लोग घरों में ही रहे। तो वहीं चमोली जनपद में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने से मौसम में ठंडक आ गई। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, गोरसो बुग्याल, रुद्रनाथ, लाल माटी सहित नीति और माड़ा घाटियों में भी बर्फबारी हुई। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार आज पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा में एक दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार आइलैंड, केरल के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप आइलैंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसी के साथ तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कर्नाटका में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर और उत्तराखंड में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। इस खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।